इसके बारे में सोचकर मेरी रूह ही कांप गई। बात है 1988 की, इवान लेसर एक प्लेन में चढ़ते हैं। इवान एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर थे जिनको 800 जंप्स का एक्सपीरियंस था। इवान स्काई डाइविंग फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते थे, इसलिए वो उसे थोड़े ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनको दूसरे जंपर्स की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। फिर हर रोज की तरह ये जंप के लिए रेडी हुए। बाकी सबके साथ इवान भी प्लेन से कूद गए। जब पैराशूट खोलने का टाइम आया तो इवान ने अपना हाथ रस्सी की तरफ बढ़ाया तो पता चला उनके पास पैराशूट ही नहीं है। ये जानकर उनकी आत्मा ही शरीर से बाहर निकल गई। शायद वीडियो बनाने के एक्साइटमेंट में वो पैराशूट लाना ही भूल गए और 10,500 फीट की ऊंचाई से जंप कर लगभग 250 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जमीन से टकरा गए।